दोस्तों, जब हम अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह की प्राइवेसी नहीं होती। बाद में हमें सभी प्राइवेसी सेट करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर हम कोई पोस्ट अपलोड मतलब फ़ोटो अपलोड करते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं अपने फेसबुक पर, वो सभी के पास जाती है, हर कोई उसको देख सकता है, लाइक कमेंट कर सकता है। और यहाँ पर इसी तरह से हमारे फ्रेंड भी कोई भी देख सकता है, देख सकते हैं हमारी फ्रेंड लिस्ट जो होती है वो सभी कोई देख सकता, हर कोई मतलब देख सकता है कि इसकी फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन ऐड है। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी प्राइवेसी ऐसी हैं जो हमें बाद में सेट करनी पड़ती हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी फ्रेंड ये देख सकते हैं फ्रेंड लिस्ट को हाइड करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? मतलब आपकी फ्रेंड लिस्ट आप हाइड करेंगे और आपकी फ्रेंड को कोई नहीं देख पाएगा, मतलब आपकी फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन ऐड है ये कोई नहीं पता कर पाएगा आपके सिवा। तो दोस्तों, ये आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी फेसबुक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर करना क्या है, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं थ्री लाइन का, इस पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ से हमें नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी का, इस पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ से हमें नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं प्राइवेसी सेटिंग का, प्राइवेसी सेटिंग पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें अपनी फ्रेंड लिस्ट हाइड करनी है। कि हम अपनी फ्रेंड लिस्ट को कैसे हाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये देख सकते हैं वो कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, तो ये देख सकते हैं, इस पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों, ये क्या होता है कि जब हम नया अकाउंट बनाते हैं फेसबुक पर तो ये पब्लिक पर रहती है, ये टिक लगा रहता है पब्लिक पर। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड किसी को नहीं दिखने चाहिए तो यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं सी मोर पर ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप इसको ओनली मी पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड उन लोगों को दिखा सकते हैं जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हैं, तो आप इसको फ्रेंड पर कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, अगर आप इसको पब्लिक रखना सबको दिखाना चाहते हैं अपने फ्रेंड को, तो आप इसको पब्लिक रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड उन्हीं को दिखें जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में ऐड हैं, तो आप इसको फ्रेंड पर टिक लगा सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड किसी को ना दिखें, किसी को भी जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में ऐड है उन्हें भी ना दिखें, तो आप इसको ओनली मी पर कर सकते हैं। ओनली मी पर करने के बाद क्या होगा कि हमारे फ्रेंड लिस्ट में जो भी कोई ऐड है, मतलब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन ऐड है, कोई भी नहीं यहाँ से पता लगा सकता सिवाय हमारे। तो दोस्तों, ये काफ़ी कमाल की ट्रिक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।